हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं पत्ता गोभी और ये गाजर की पराठे बनाऊंगी। इसे मैं बारी बारी से काट लूंगी। इसमें थोड़ी सी हरी मिर्च मिलाऊंगी, एक प्याज और थोड़ी सी लहसुन। चलिए फ्रेंड, मैं अब अच्छे से इसे काट लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड, कितने मैंने बारीकी से मैंने इसे घिस के काट लिया है। हल्की इसमें प्याज सिर्फ मैंने इसे चाकू से सिर्फ काटी है, इसे मैं नहीं घिसी हूँ। इसमें मिर्च मैं नहीं मिला रही हूँ क्योंकि मैं छोटे बच्चे को भी खिलानी है, इसलिए मैं इसमें मिर्च नहीं मिलाऊंगी। मिर्च मिलाने से खाता नहीं है। चलिए फ्रेंड, आगे बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने इसमें तेल डाल लिए। मैं ज़्यादा तेल नहीं डालूंगी, हल्की डालूंगी क्योंकि बच्चे को भी खानी है, इसलिए हल्की तेल से मैं इसे भूनूंगी। ये मैं सेकेंड बार बना रही हूँ फ्रेंड। फर्स्ट बार मैं बनाई थी तो बहुत ही टेस्टी, बहुत ही अच्छी लगी थी, इसलिए मैं सेकेंड बार फिर से इसे बनाने जा रही हूँ। ये बच्चे और बड़ों के लिए बहुत ही अच्छी है, बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। चलिए, अब तेल गरम हो चुकी है। अब मैं इसमें थोड़ी सी जीरा डालूंगी, थोड़ी सी हींग मिलाती हूँ। हींग डालने से बच्चे को अच्छे से खाने हजम हो जाएंगी। अब मैं इसमें प्याज डालूंगी। हल्की हल्की पक गई है ये, और मैं इसे सारे पत्ते गोभी को गाजर को डाल देती हूँ। सारे मैंने डाल दिए हैं। ये लहसुन भी मैं लहसुन भी डाल दूंगी। इसमें सबसे पहले नमक डालूंगी। नमक डालूंगी तो साथ इसमें पानी छोड़ेंगे और जल्दी से सॉफ्ट होके पक जाएंगे। इसमें मैं धनिया पाउडर, ये है जीरा पाउडर, ये है गोलकी पाउडर, ये तीन ही मैं बस मिलाऊंगी। और इसमें नमक मिलाऊंगी और हल्दी मिलाऊंगी, बस इतना मसाला मिलाऊंगी। ये अच्छे से भून गई है, अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। अब मैं आटे तैयार करती हूँ इसको पराठे बनाने के लिए। अब मैं पराठे बनाने का टाइम लेती हूँ फ्रेंड। ये देखिए फ्रेंड, मैंने इसमें टमाटर की चटनी, इसमें बादाम और काजू मिलाई है, दोनों तीनों को मिला करके मैंने चटनी बनाई है, बहुत ही टेस्टी लगती है। अगली बार वीडियो बनाऊँगी तो मैं स्टेप बाय स्टेप ज़रूर दिखाऊँगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना फ्रेंड, अगर अच्छी लगी होगी तो। थैंक यू।